हर हर महादेव। वर्तमान में चल रही कुछ प्रक्रिया का एक हमारे पास प्रश्न आया है कि कन्यादान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि कन्यादान का क्या महत्व है, कन्यादान की आवश्यकता क्या है। जो लोग धर्म के विषय में, शास्त्रों के विषय में कुछ भी नहीं जानते, वे भी इसमें निर्णय देने के लिए तैयार हैं। ये वर्तमान में सनातन धर्म का एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। हर व्यक्ति निर्णय देने को तैयार है, हर व्यक्ति अपना मत स्थापित करने को तैयार है कि हमारा मत होना चाहिए। सर्वप्रथम तो ये देखना चाहिए भाई दान होता क्या है। लोग कह रहे हैं कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका दान दिया जाए। क्या वस्तु का ही दान होता है? दान होता क्या है, किसे दान देना चाहिए? इस बात पर जब बिना विचार किए, बिना शास्त्र के मत के अपना अपना जो है मत व्यक्त कर देना, ये किसी का मत शास्त्रीय नहीं हो सकता, किसी का मनमानापन कल्याणकारी नहीं हो सकता। दान कहते किसको है देखिए, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम पर सत्वाधानम दानम। अपना स्वत्व, सबसे पहले तो किसी का उसमें स्वत्व, किसी वस्तु व्यक्ति आदि पर अपना जो है स्वत्व होना चाहिए कि ये हमारा है। अब अपना स्वत्व हटा करके, माने अपना अधिकार हटा करके किसी दूसरे का अधिकार नियुक्त कर देना, किसी उससे योग्य पुरुष को उसका अधिकारी बना देना अपना अधिकार हटा करके, तो उसको दान कहा जाता है। स्वस्वत्व निवृत्ति, अपना स्वत्व जो था उसकी निवृत्ति हो जाए और जो जिसको हम देना चाहते हैं, जो उसका अधिकारी है, उसका अधिकार हो जाए। पर स्वत्वाधानम दानम, उसको दान कहा जाता है। तो ये सभी का दान होता है, यहां तक तो वस्तु का, निर्जीव वस्तु का, सजीव वस्तु का, पुत्रों का, पुत्री का, और तो और बताएं, आत्मदान भी होता है, अपना भी दान किया जाता है। आत्मदान, आत्मदान पुरुष भी करता है, आत्मदान कन्या भी करती है, आत्मदान स्त्री भी करती है, सबके लिए आत्मदान होता है। अब जैसे कि हमारे यहाँ गऊ दान होता है, तो गऊ कोई वस्तु है? गऊ कोई निर्जीव है? क्या गऊ का दान नहीं होना चाहिए? पुत्र का दान होता है, पुत्री का दान होता है, दत्तक पुत्र ले लिया जाता है कि नहीं? वो दान में ही तो पुत्र ले लेते, दत्तक नाम ही है उसका। आत्मदान भी होता है कि मैं अपने आप को इस कर्म के लिए आपको देता हूं, आत्मदान हो जाता है, बलिदान हो जाता है। और तो और देखिए, बलि का भी अपने आप को किसी योग्य कार्य के लिए, शास्त्र में बतलाए गए कार्य के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दे देना बलिदान है, अपने आत्म का दान है। अगर ये दान वीर नहीं देवे, तुम्हारे जैसे सभी हो जाएं, तो क्या नपुंसक बनकर के देश की रक्षा हो सकती है? देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को वीर दान देते हैं, अपने प्राणों का दान देते हैं, तो क्या वो दान नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण दान है बलिदान। सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत, अपना सब कुछ दे देना, ये बलिदान है। तो जिस तरीके से अपना दान, कन्या का दान, वस्तुओं का दान, दसविध दान, अष्टविध दान, अनेक विध दान होते हैं, तो उन दानों में विधि की परम आवश्यकता है। अगर कोई वस्तु हमारी न हो तो हम उसको कैसे दे सकते हैं? सर्वप्रथम उसकी अधिकारिता होनी चाहिए और फिर उस योग्य पुरुष का उस पर अधिकार कर देना। अगर यूं कोई कहे कि हमने जो है, हम तो उसके साथ हो गए, दान देने के बाद फिर उसका अधिकार नहीं रहता है,
वो फिर अगर कन्या का दान दे दिया तो पिता का उतना उस पर अधिकार नहीं। हाँ, वो उस शरीर का पिता है, पिता वही रहेगा, उसका उसी के शुक्र से उसका जो है संभूत शरीर माना जाएगा, ये निश्चित है, लेकिन उस पर उसका अधिकार नहीं रहता। किसी ने किसी को गौ दान दे दी, अब वो ले गया, अब उस पर उसका अधिकार है। तो इसी तरीके से तो दान तो उसने भी दे दिया, जब वो खुद जा रही है, कोई कन्या कह रही है कि हमारा दान नहीं होना चाहिए, हम कोई वस्तु नहीं है, अच्छा तो अब अपने आप को तो आपने उसको दे दिया, क्या ये दान नहीं है? दान क्या संकल्प पूर्वक देने का जो विधि का ही तो निषेध कर रही हो, कार्य तो वही कर रही है, आप वहां जाओगी, उसकी पत्नी बनोगी, उसके बच्चे होंगे, ये कार्य नहीं होगा, फिर क्यों जा रही हो? जाना इसीलिए है, तो ये सब कार्य वही हो रहे हैं, पर अविधि पूर्वक करेंगे, मनमाने ढंग से करेंगे। तो यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगते। जो शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करते हैं वे सुख और संभूति को प्राप्त नहीं होते हैं, न यहां सुख प्राप्त होता है न मरने के बाद। ये मनमानापन यूं समझिए धर्म सम्राट के शब्दों में अर्ध कुकुटी न्याय है, यानी आधी मुर्गी को कोई चाहे कि हम जो है बना करके पका के खा ले, आधी को रख दे बच्चे देने के लिए, अंडा देगी वो, ऐसा कभी त्रिकाल में भी संभव नहीं है। इसी प्रकार ये बात है कि आधी मनमानी के विवाह तो करना है, पर अपने मनमाने ढंग से करना। भाई वो विवाह ही क्यों है? विवाह किसने कहा कि विवाह करो? विवाह क्या होता है आप जानते हैं? विवाह शब्द का अर्थ क्या होता है? विवाह किससे क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य जानते हैं? केवल एक ही जानते हैं, बच्चा पैदा करना, संतान बढ़ाना, यही उद्देश्य नहीं है। विवाह का उद्देश्य क्या है? विवाह कितने प्रकार के होते हैं? हमारे यहां मनु महाराज के अनुसार चार प्रशस्त विवाह हैं और चार अप्रशस्त विवाह हैं, आठ तरीके के विवाह हैं। और ये जो मनमानापन है कि किसी के साथ में राजी बाजी बैठ जाना और घर वालों की भी इच्छा हो गई और दान भी नहीं देना है और वहां चले जाना, जी आठों में भी अधम से अधम में भी नहीं है। ये तो हो वो जान बूझ करके बलात्कार करवाना, ये वो है, यूं समझ जा। ब्राह्मो दैवस तथैव आर्षः प्राजापत्यस तथा सुरः, ये विवाह है हमारे यहां। और गांधर्वो राक्षसस चैव पैशाचसस चाष्टमो धमः, मनु महाराज का वचन है। ब्राह्म विवाह वो होता है कि अपने घर पर अपने वर्ण आश्रम वाले अपने वर्ण वाले पुरुष को, योग्य पुरुष को, योग्य वर को मधुपर आदि विधि से पूजन करके सभी समाज के सामने मंत्र विधि पूर्वक मधुपर्क आदि पूजन विधि से अपने शाखा अनुसार उसका पूजन आदि करके और वर को कन्या दे देना, मंत्र पूर्वक अपने शक्ति के अनुसार अलंकार करके कन्या दे देना, ये जो है ब्राह्म विवाह कहलाता है। और अपने यहाँ यज्ञ इत्यादि में आए हुए ऋत्विजों को अपनी कन्या, पिता जब दान कर देता है ऋत्विजों को ब्राह्मणों को, तो वो दैव विवाह कहलाता है, ये दूसरा है। ब्राह्मो दैवस आर्ष विवाह वह कहलाता है जिसमें वर की सामर्थ्य को देखते हुए उससे एक मिथुन या दो मिथुन गऊओं को लेकर के, यानी दो सांड दो गऊओं को या एक सांड एक गाय को लेकर के, और फिर उस वर को जो है विधि पूर्वक कन्या दे दी जाती है, वो आर्ष विवाह कहलाता है। प्राजापत्य पिता की सम्मति से कन्या को प्रजोत्पादन करने के लिए, धर्म कार्य करने के लिए अपने है ना वर के यहीं जा करके और वर को कन्या दे दी जाती है, तो तुम दोनों सधर्म आचरण करो, ये वचन बोल करके, तो वो जो है प्राजापत्य विवाह कहलाता है। ये उत्तरोत्तर यद्यपि प्रशस्त नहीं है, पूर्व 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 प्रशस्त है, यानी सबसे श्रेष्ठ है ब्राह्म विवाह, उससे कम श्रेष्ठ है दैव विवाह, उससे कम श्रेष्ठ है आर्ष विवाह, उससे कम श्रेष्ठ है प्राजापत्य विवाह, लेकिन ये सब जो है मान्य है शास्त्रों में, प्रशस्त में आते हैं। लेकिन चार जो है निषिद्ध विवाह है, उसमें कौन सा है? गांधर्व, गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह माने मैथुन आदि की परस्पर अभिलाषा से,
एक दूसरे के कन्या वर आदि के पुरुष और कन्या में रूप आदि पर आकृष्ट होकर के काम पूर्ति करने के लिए जो विवाह किया जाता है उसमें भी लिखा है कि विवाह करे पर विवाह की विधि होनी चाहिए उसमें भी। ये तो कन्या को प्राप्ति करने का है, तो वो कन्या आत्मदान करती है उसमें, अपने आप को देती है कि हाँ मैं अपने आपको अपने आप आपके हवाले करती हूं, तो आत्मदान है। यहां लिखा हुआ है कि शूद्रों में जो है एक विवाह होने के बाद विधवा विवाह का प्रकल्प शूद्रों में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में नहीं है। तो वहां वो अब वो कन्यादान नहीं होता, वहां जब दूसरे पुरुष के साथ में विवाह हो रहा है तो वो स्त्री, वो तो वो स्त्री है, तो वो स्त्री आत्मदान करती है कि मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूं। ये जो हमारा संकल्प होता है संस्कृत में होता है कि मैं अपने आप को आपके पत्नी रूप में जो है अपने आप को देती हूं, आपकी अर्धांगिनी पने को स्वीकार करती हूं, ये आत्मदान होता है। ऐसे ही यहां जो है गांधर विवाह में भी आत्मदान होता है। और फिर इन सभी विवाहों में जो अपने अपने शाखा के अनुसार जो गृह सूत्र में बतलाई गई विवाह की विधि है वो तो पूर्ण होनी है। ये तो सब कन्या को प्राप्ति करने का हेतु है, कन्या प्राप्ति करने का जो केवल मार्ग है कि पिता किस तरीके से कन्या को देता है, कन्या दान कहा गया बिल्कुल, और उसको प्रतिग्रहिता कहा गया है। लिखा हुआ है सर्वत्र प्रांग मुखो दाता, अगर कन्या दान देने वाला या कोई भी दान देने वाला व्यक्ति है, कोई और दान देता है तो सर्वत्र प्रांग मुखो दाता, दाता जो है प्रांग मुख होना चाहिए, और गृहीता च उदंग मुखा, और गृहीता जो ग्रहण करने वाला है वो उदंग मुख माने उत्तराभिमुख होता है। लेकिन इसका जो है विवाह समस्त दानों में यही नियम है, लेकिन विवाह में इसका उल्टा है। विवाह में जो है दान देने वाले का उत्तर को मुंह होता है और प्रतिग्रहिता का जो है पूर्वाभिमुख होता है। तो ये बिल्कुल विधि है किस तरीके से किसको दान करना है। तो ये जो हमारा जो पांचवा विवाह है वो गांधर्व विवाह है, और ये निषिद्ध है, इससे भी ज्यादा निषिद्ध जो है गांधर्व राक्षसश्चैव, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह वो है जो कि अन्य युगों में, वर्तमान में कलयुग में मना है, ये सभी विवाह मना है, कलयुग में केवल ब्राह्म विवाह ही मुख्य है, समझे ना। और अन्य युगों की व्यवस्था थी कि क्षत्रियों के लिए जो राक्षस विवाह था वो जो है श्रेष्ठ माना जाता था। तो वो राक्षस विवाह क्या होता है कि कन्या के परिजनों के सामने, भाई पिता आदि के सामने, घर में बैठी हुई या किसी सभा में सुसज्जित कन्या को उन सभी बंधु वर्गों के सामने उनको ये मार करके या उनको परास्त करके घर के या सभा के दरवाजों को तोड़ फोड़ करके बाउंड्री को, मार्ग को, मर्यादा को लांग करके रोती हुई चीखती हुई क्षत्रिय कन्या को ही है ना अपने बाहुबल से जीत करके अपने साथ में ले आना और फिर उससे विवाह करना, ये राक्षस विवाह कहा गया है। क्योंकि इसमें पौरुष दिखलाना पड़ता था पूर्ण, ये कोई कायरता का खेल नहीं था, तो इसलिए ये जो क्षत्रियों के लिए अन्य युगों में प्रशस्त था। और जो है सातवां विवाह होता है असुर विवाह, इसकी बड़ी निंदा की गई है कि अपने किसी को भी अपनी कन्या बेच देना, यानी पिता कन्या के बदले वर से शुल्क लेकर के कन्या देता है, दहेज की तो बात ही नहीं, शुल्क ले लेता है, तो ये जो विवाह है ये असुर विवाह कहलाता है, ये भी बहुत निषिद्ध है। कलयुग में बहुत होगा, लिखा कलयुग का जहां प्रकरण आता है वहां लिखा हुआ है कन्या विक्रणो लोभात दंपति नांच कलकनम, ये कलयुग का जो है तांडव है, ये जो कृत्य हो रहा है ये कलयुग का खेल है। और जो है आठवां विवाह जो सबसे निषिद्ध है गर्हित है पैसाश्चाष्टमो धमः अधम विवाह, वो कहा गया है कि सोती हुई बिलखती हुई या जो है परवश पड़ी, मतलब किसी आपत्ति में पड़ी हुई या अचेत
या किसी को कोई भी मूर्छित इत्यादि करके अचेता अवस्था में कन्या का जो है हरण कर करके मैथुन आदि कृत्य करके उसको वर्णित कर लिया जाता है, वो जो है आठवां पैसाच विवाह कहलाता है। तो ये इन जो वर्तमान में हो रहा है कि कन्यादान भी नहीं हो, कन्या को दे दिया जाए, ले जाओ साहब अपनी कन्या को, और जब वो बर मर गया तो दूसरे को दे दी, फिर किसी को दे दिया, और नहीं तो वो ही छोड़ करके चौथे पे चली गई, ये तो मनु महाराज ने या किसी ने शासनों ने कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा होगा। ये तो अत्यंत ही गर्हित है, गर्हितात गर्हित है, बहुत ही निषिद्ध है, इसलिए ये कार्य तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब लोग जानबूझ करके कर रहे हैं, बोलिए इस कार्य को कहना बतलाना कि हमने बिना संकल्प के बिना दान के ही वो उसको ले आया, अब उसका उस पर अधिकार नहीं है। देखिए ये तो कन्या का दोष हो गया, कन्या के पिता का दोष हो गया कि बिना दिए तुमने उस कन्या को दे दिया, क्योंकि लिखा हुआ है कि जब कन्या दान विधि पूर्वक हो जाता है तो उस कन्या पे अधिकार हो जाता, वो वधू हो जाती कि भाई ये हमारी है, जब तक आपको दान नहीं मिला है तब तक वो आप उसका जो अधिकारी नहीं है। और उसमें भी ये पूरी विधि होनी चाहिए, स्वगोत्रास भ्रंश्यते नारी विवाहे सप्तमे पदी, अगर सप्तम पदीय क्रिया होती विवाह में तब ही वो पति कुल के गोत्र में प्रवृत्त होती है, नहीं तो कन्या का गोत्र वही है जो पिता का गोत्र है। तो स्वगोत्रात भ्रंशते नारी, वो अपने गोत्र को छोड़ करके और पति के गोत्र में प्रवृत्त हो जाती है, पति का गोत्र ही उसका गोत्र हो जाता है। ये मंत्रों का ही तो प्रताप है, इस दान का ही तो प्रताप है, इस विधि का ही तो प्रताप है, ये शास्त्रों में कही गई नियम का ही तो प्रताप है कि अपने गोत्र को छोड़ करके पति गोत्रा हो जाती है, और जब ये विधि नहीं की जाए तो क्या है? वो तो उसका वो पूर्व वाला ही गोत्र रहेगा, फिर वो उसकी जो है भोग्या थोड़ी बनेगी। ये बतलाया गया कि कब वो वधु संज्ञा होती है, कब वो पत्नी हो जाती है, कब भार्या हो जाती है, और कब जाकर के वो जो भोग्या परिणीता बनती है। तो इस तरीके से ये सब कार्य, अन्यथा कोई जो व्यक्ति बिना दान लिए हुए कन्या के साथ उसका उपभोग करता है, उसमें पुत्र उत्पन्न करता है, तो वो दोषी है, उसको कन्यात्व निवृत्ति नहीं हुआ, उसकी अगर विधि नहीं हुई, कन्यात्व निवृत्त नहीं हुआ तो पत्नी बनी ही नहीं, वो तो कन्या है। तो वो तो लिखा हुआ है अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या समय चारी, है ना, इना एक उदिष्ट बिलोक है जो ही ताय बधे कछु पापन होए, तो वो तो वधारण हो जाएगा। मुख्य बात ये भी है कि आजकल कन्या भी नहीं है, कन्या भी कहां है, वो तो मनमाना काम कर रहा है, एक तरीके की स्त्री है। इस तरीके से इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो है कुतर्क करने का उसे अधिकार ही नहीं होगा, उतनी समझ ही नहीं होगी, इससे पहले ही उसको दान कर दीजिएगा, अन्यथा किसी, आजकल ऐसा है कि किसी का किसी के ऊपर मन आ जा रहा है, भाई हमको तो ये जो है जो ब्राह्मण है उनको कोई निम्न श्रेणी का जाति का बालक पसंद आ गया, क्षत्रिय को कोई और पसंद आ गया, वैश्य को ब्राह्मण पसंद आ गया, ब्राह्मणी को शूद्र का पसंद आ गया, तो ये जो पसंद आ गया उसी से विवाह करना है, उनको क्या लेना देना, क्या जाति है, क्या जो है सम्मान है, क्या वेद मर्यादा है, क्या शास्त्र निष्ठा है, क्या इसका जो है परिणाम होगा, इस वक्त बिना विचार किए और चाहे जो चाहे या प्रवृत्त हो जा रहा, तो वो तो सब अब लोग देख रहे हैं ये सब सिनेमा में देश विदेश में, तो वो उसको अपना रहे हैं, अपने मार्ग का, अपने शास्त्र का, अपने जो जो कुल की परंपरा का कोई ध्यान ही नहीं। तो इन सब बातों पर विचार पूर्ण रूप से होना चाहिए, और ये वर्तमान में जो भी प्रकल्प ये जो चलाए जा रहे हैं या चल रहे हैं या जो है समाज में जो जो फैलाया जा रहा है, लोग इन बातों को बहुत फैला रहे हैं, इन्हीं का प्रश्न बना करके पूछ रहे हैं, तो इनका समाधान धर्मशास्त्रों के अनुसार आचार्यों के द्वारा परम आवश्यक है कि समय समय पर वर्तमान में जो भी ये कार्य होगा और इसका समाधान देना हम लोगों का परम कर्तव्य है और आप लोगों का मानने का। तो जो लोग इसको माने, जो लोग बचें, वे ही जो है कुछ ही धर्मशास्त्रों के अनुसार चलने वाले, धर्म में प्रवृत्त होने वाले लोग जितने बच जाएं, जितने मानने में लोग, उनका ही कल्याण है, अन्यथा कलयुग का तांडव तो हो ही रहा है, इससे हम सबको बचना चाहिए और अपने धर्म में ही प्रवृत्त होना चाहिए। हर हर महादेव।